छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से खबर आ रही है, जहां कुछ दिनों से सोशल मीडिया में चल रहे भारत बंद लॉकडाउन वाले पर्चे का सर्वे किया गया, जिसमें भारत बंद करने की सूचना दी गई थी। जानकारी के अनुसार आदिवासी समाज ने इस पर्ची को फेक बताया है। वहीं पुलिस से हुई वार्ता में इनके द्वारा ऐसे आदेशात्मक पर्चे जारी न करने की बात कही गई। दरअसल पर्चे में निवेदनकर्ता भीमसेना लिखा हुआ है, जिसका यहाँ के संगठन से कोई भी संबंध नहीं है। उक्त संगठन द्वारा व्यापार संघ से नगर बंद में सहयोग को लेकर अपील की गई है। इस दौरान परिवहन और आपात सुविधाएं सुचारू रूप से कार्यरत रहेंगी। सोशल मीडिया में कुछ दिनों से ये पर्चा वायरल हो रहा है, जिसको लेकर के नगर में भ्रांति की स्थिति है। इस संबंध में चेंबर ऑफ कॉमर्स सर्व आदिवासी समाज को बुलाया गया था, जिन्होंने 21 अगस्त को पूरे भारत में भारत बंद का आह्वान किया है, जिसको लेकर के इस पर्चे के संबंध में उनसे चर्चा हुई तो उन्होंने बताया कि ये पर्चा उनकी तरफ से जारी नहीं किया गया है। इस पर्चा से उनका कोई भी ताल्लुकात नहीं है। इन्होंने पूरी जनता से 21 तारीख को बंद का समर्थन करने का आह्वान किया है और बंद पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहेगा। शहर में पर्याप्त बल लगाया जाएगा, किसी को भयभीत होने या किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। पूरे शहर में चाक चौबंद व्यवस्था पुलिस की रहेगी और सर्व आदिवासी समाज इस बंद को शांतिपूर्वक करने हेतु जनता से अपील की। सर्व अनुसूचित जाति समाज का बस्तर जिला अध्यक्ष हूँ और मेरे पास ये अभी वर्तमान मुझे एक सूचना के साथ ये मिला हुआ है पत्र है। ये किसने छपाया, कौन छपाया, इसके बारे में तो हमें जानकारी नहीं है कि कहाँ का, उसके एड्रेस वगैरह भी नहीं लिखा है। जैसे इसमें लिखा है भारत बंद 21 तारीख को और कुछ कुछ बहुत सारे बातों को उल्लेख किया गया है। हमारा समर्थन है भारत बंद की, जो 21 तारीख का 21 अगस्त को जो भारत बंद है उसका समर्थन है। और इसमें लिखा हुआ है कि सरकारी संस्थाओं को बंद करना है, वो सरकारी संस्था खुले रहेगी और इमरजेंसी का जो भी सिस्टम है, जो भी लगता है जैसे कुछ कुछ ज़रूरत पड़ती है, मेडिकल स्टोर है, पेट्रोल पंप है, ऐसे कुछ कुछ जो चीज़ें हैं जो इमरजेंसी जो रहेगा वो खुले रहेगा, बाकी का बंद रहेगा। और इस पत्र का मैं जहाँ भी भड़काऊ ऐसा कुछ भाषण होगा उसका मैं खंडन करता हूँ और ये हमारे द्वारा नहीं किया गया है और ये कहाँ से हमको पता ही नहीं है।